गुड इवनिंग एवरी सिंगल वन, कैसे हो आप लोग सब? आई होप यू डूइंग वेल। गुड इवनिंग, कैन यू ऑल हियर मी? कैन यू ऑल सी मी? राइट आर यू ऑन द चैट सेक्शन? गुड इवनिंग। आज हम करेंगे थ्री प्रोडक्ट्स इन द एलिमिनेशन। एक बहुत ही ट्रिकी चैप्टर है जिसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज इस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी में गलत हो जाते हैं। जस्ट टू मोर डेज टू गो और उसके बाद आपकी डिटेल्ड एनसीईआरटी थ्योरी डिस्कशन, नॉट अंडरलाइनिंग, पूरा पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। But for that, you just have to wait for two more days. So without any further delay, everyone on my screen, let us start. आज मैं आपको कुछ पहले different दिखाना चाहती हूँ and then I will go. क्या सारे बच्चों ने crash course ले लिया है पहले बताइए? अगर वेदांतों का क्रैश कोर्स नहीं लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई ना कोई हेल्प आपके पास नीट 2022 के लिए है। लेट्स गो। डू ऑल ऑफ यू हैव सम हेल्प फॉर नीट 2022? नहीं है गाइज, मेक श्योर यू हैव सम हेल्प। लेट मी शो यू समथिंग। कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब for your doubts, for your problems. I will show you exactly मेरे 2 hours के sessions कैसे होते हैं, right? So I'm going to be showing you that कि exactly मेरे 2 hours के जो sessions होते हैं वो कैसे हम पढ़ते हैं। Who's going to make sure that you answer this question? Right? एन पे तो एन एच सी एच कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी बेटे बच्चों ने डाउट पूछा। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन ए वाई एस सी, जैसे बोर्ड एग्जाम्स को कैसे मैनेज करना है मैम साथ में, राइट? व्हाट एवर इज कमिंग डाउन इज माइक्रो, व्हाट एवर इज गोइंग अप इज मैक्रो। दिस इज बिग, वी आर अनेबल टू ब्रेक इट डाउन। ठीक है, तो यार ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास भी ऐसी क्लासेस हों। योर संचिता मे ऑर मे नॉट बी दैट गुड, बट यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर संचिता। द प्रारंभ राइट, ये देखो कोई पूछता है, डाउट्स पूछते हैं, क्विजेस होते हैं। गाइस ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई डाउट विंडो दी जाती है, डाउट्स पूछो, एमसीक्यूज बीच में कराए जाते हैं, लीडर बोर्ड होता है, राइट? कोई प्रॉब्लम आ गई किसी को, कोई एक क्लास में एक एक चीज बताई जाती है। सो गाइस प्लीज मेक श्योर, ये देखो ये कैसे मैं समझा रही हूँ, What will that be called? Right. So please make sure, और ये सारी recordings available है, कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए। Alpha helix, the carbon. अगर कुछ कोई ना कोई help आपके पास होनी चाहिए, कुछ ना कुछ extra पढ़ने के लिए, that one teacher you need it, please make sure कि आप अपना brave platform है, तो कुछ तो और हो। देखो नंदनी को अनम्यूट कर दिया है, नंदनी बोल रही है मैम क्या है मुझे समझाओ। तो बेटा इस टाइप का जो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ऐसा हो गया कि आप अनम्यूट हो रहे हो, चलन खटास ना, राइट, और आपको फिर टीचर अनम्यूट करके समझा रहा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे शिवरत्नम, राइट? आई विश आप लोग यहां पर होते एंड माय क्लासेस आर गोइंग टू बी देयर इन ऑल बैचेस नाउ। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास या क्रैश कोर्स या प्रो मेंबरशिप कुछ तो है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हो, राइट? ये सारी क्लासेस वेव प्लेटफॉर्म पर होती है, इन हाउस प्लेटफॉर्म पर होती है, विच इज फिनोमिनली अमेजिंग। तो प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको मिस मत कीजिएगा, राइट? पूरा एक एक चीज, और ओवरऑल देखो 2 घंटे के सेशन होते हैं, राइट? आपके और देखो स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है 100 बच्चों से ज्यादा कभी नहीं होता ताकि इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके। डाउट्स आते हैं, बच्चे इतने क्विजेस अटेम्प्ट करते हैं, राइट? 80% बच्चों ने सारे क्विजेस अटेम्प्ट किए। देखो कितने क्विज मैंने एक क्लास में लिए, कैन यू सी हाउ मेनी क्विजेस आई टुक इन वन क्लास? जस्ट सी स्लाइड 17 पे क्विज सर, 19 पे क्विज सर, 21 पे क्विज सर, 24 पे क्विज सर, 26 पे क्विज सर, 28 पे क्विज सर, 30 पे क्विज सर, 32 पे क्विज सर, 34 पे क्विज सर, 74 पे क्विज सर, 76 पे क्विज सर। दीज आर द क्विजेस व्हिच आई हैव टेकन। सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, डाउट्स पूछते हैं। सो गाइस ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा हेल्प आप लोगों के पास भी आ जाए, बिकॉज जो बच्चे ये एक्स्ट्रा हेल्प लेते हैं वो थोड़े तो आगे निकल जाते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको इतना बताना चाहती थी बस, ताकि आपको पता चले
मैं फटाफट अभी आपके क्विजेस कराती हूँ, ये बुक आ जाएगी, ये बुक आपकी बाइबल बन जाएगी, एनसीईआरटी के अलावा इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट इन क्लास की क्लास में 7 o'clock लूंगी और रिवोल्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ड्रीमर्स ड्रॉपर्स को आने। मेक श्योर दैट यू लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। चलो 23, 22 फास्ट। मोस्ट टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, अमाइनो एसिड, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया, दैट इज व्हाई इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एक्वेटिक मैमल्स में। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया। कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन ब्रेकडाउन के मटेरियल होते हैं, इनके जब भी प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है अमोनिया बनता है, राइट? अमाइनो एसिड्स के पास नाइट्रोजन होता है, जब इनका अमाइन ग्रुप हटाया जाता है जिसको डी अमाइनेशन कहा जाता है, तब अमोनिया बनता है। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इट इज हाईली टॉक्सिक। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। जो भी अमोनिया सिक्रीट करते हैं उनको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अमोनिया को पानी में अमोनियम आयन्स के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। जो अमोनिया रिलीज नहीं कर सकते उनको यूरियोटेलिक, और जो यूरिया सिक्रीट करते हैं यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं यूरिकोटेलिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द एक्सेप्शन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। एक्सेप्शन बोल दिया है बच्चों, एक्सेप्शन, व्हाट इज द आंसर? एबीसीडी। नियरली 99% ऑफ द जीएफआर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन रिगार्ड टू द एक्सेप्शन इज करेक्ट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकेपेबल, मतलब नहीं एब्सॉर्ब करती, बाइकार्बोनेट्स। डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले इज इनपरमीएबल टू वाटर, असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले, दिस इज सो सिंपल, उल्टा निकल दिया। असेंडिंग डिसेंडिंग, इट इज केपेबल ऑफ एब्सॉर्बिंग। Yes, is correct. 99% is reabsorbed. Yes, everybody. A, कितने बच्चों ने A किया था? Urine formation involves the main process called glomerular filtration. 180 liters बनता है, out of which only 1.5 liters. So 99% is reabsorbed. Descending is permeable to water but impermeable to electrolytes. Descending is permeable to water, उल्टा नहीं कर दिया। Ascending is permeable to electrolytes. They have reversed it. Yes or no? उल्टा बोल दिया है। So descending is permeable to water but impermeable to electrolytes. Ascending is impermeable to water but allows electrolytes. Sodium ions, bicarbonate ions reabsorb होते हैं। Correct statement पूछा है। करेक्ट स्टेटमेंट। जीएफआर अगर गिर जाए, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट, एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, एड्रिनल मेडुला टू रिलीज, जीएफआर कम हो गया, बताओ ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, जीएफआर ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, That means kidneys ने renin angiotensin aldosterone system को activate कर दिया। Because of this activation of renin angiotensin aldosterone system, it has got activated, right? Renin क्या करवाएगा? Vasoconstriction। Aldosterone क्या करवाएगा? Sodium को reabsorb।
की वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज एंड जीएफआर इंक्रीज. तो क्या करेगा? एड्रीनल मेड्यूला टू रिलीज एड्रीनलिन, जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिसीव वैसोप्रेसिन एंटीडायुरेटिक हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन. क्या होगा? जीएफआर गिर गया, रेनिन, रेनिन के बाद आएगा एल्डोस्टेरोन. रेनिन, रेनिन सब कुछ करवाता है. वेल डन. जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस ऑपरेट्स अ मल्टी हॉर्मोनल रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. अगर ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम कम हो जाता है तो सबसे पहले बॉडी में आता है रेनिन. रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है. एंजियोटेंसिन 2 जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके. मैंने पिछली स्लाइड में भी लिखा था एक कॉजेस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन. मैम क्रैश कोर्स में आपका लेक्चर होता है, गायत्री ऑल कोर्सेज विल हैव स्पेशल लेक्चर्स बाय वानी मैम. राइट दिव्या, आपका क्या क्वेश्चन है? फिर आएगा एल्डोस्टेरोन जो सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा. दिस इज द क्रैश कोर्स. इस क्रैश कोर्स में 120 प्लस सेशंस होते हैं. द टॉप टीचर्स, आप मुझे भूल जाओगे एक बार क्रैश कोर्स में चले जाओगे. एंड लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन, क्रैश कोर्स बायो के लिए नहीं लेना. अगर आप क्रैश कोर्स वानी मैम के लिए ले रहे हो मत लो. वानी मैम तो आपको इधर भी मिल जाएंगे बेटा. आपका नंबर जो कटेगा, वानी मैम की तो बुक आ गई, अब तो आपको बायोकॉनिक में भी आने की जरूरत नहीं है. 360 और 360 की बुक आ रही है, एमसीक्यू बुक. आई एम सेकेंड बुक जो मैं लिखने वाली हूं, दैट इज गोइंग टू बी माय नोट्स. बट क्रैश कोर्स लेना है फिजिक्स और केमिस्ट्री के राहु केतु के लिए. फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना क्रैश कोर्स ले लो. फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना रैंक नहीं आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सच में मुझे भूल जाओगे बेटा, बोलोगे अरे क्या वानी मैम, इन हाउस टीचर्स इतने अमेजिंग है. राइट, वहां पे टेस्ट के लिए क्रैश कोर्स लो. 20 प्लस टेस्ट, ऑल इंडिया प्रिडिक्शन टेस्ट, 10 टेस्ट यहां होंगे, 20 टेस्ट यहां होंगे. ये 30 टेस्ट देने के लिए क्रैश कोर्स लो. अगर 100 रुपए का भी एक टेस्ट और एनालिसिस होता तो 3000 रुपए का तो टेस्ट ही हो जाएगा आपका. डाउट्स के लिए क्रैश कोर्स लो. राइट, डोंट बाय क्रैश कोर्स फॉर बायो. वानी मैम से तो यहां भी पढ़ रहे हो बेटा, उसका उसका मत सोचो. सोचो मेरे को 30 टेस्ट मिलेंगे, मुझे डाउट्स मिलेंगे जो मैं क्लास में पूछूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री के, मुझे नोट्स मिल जाएंगे, मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, जो 11th के वीक पार्ट्स है वो रिवाइज हो जाएंगे. उसके लिए क्रैश कोर्स लो. ऑल इंडिया रैंक 23, 82, 143 सब क्रैश कोर्स से निकले. कल तक प्राइस 8000 था बट नाउ इट इज 9000. उत्कर्ष जी डोंट वरी, बट बेटा दिस इज नथिंग कंपेयर टू द टाइम दैट यू विल लूज. 1500 बच्चे आपसे ऑलरेडी आगे निकल जाएंगे. क्या पता उन्होंने क्रैश कोर्स में कितना तिगड़ा पढ़ाए, वहां से वो एकलव्य में भी जा सकते हैं. सो वीडी प्रो कोड लगाओ और क्लासेस में आ जाओ. चलो इसको मैच करो तब तक फटाफट, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हुए मैच करो. नेफ्रीडिया किसमें होता है, मैल्फिजिन ट्रिब्यूल्स किसमें होते हैं, एंटीलर ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड किसमें होते हैं? किसमें होते बताओ? वेल डन. नेफ्रीडिया होता है, एनालिट्स में मैल्फीजियन ट्रिब्यूल्स, इंसेक्ट्स, ग्रीन ग्लैंड्स तो आपको पता ही होना चाहिए, क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, क्रस्टेशियंस, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. एनालिट्स लाइक अर्थवर्म्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेफ्रीडिया. राइट, एस्केहेमेंथस में होते हैं रेनेट सेल्स. अच्छा इसको फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो. प्लैटिहेमेंथस, फ्लैटवर्म्स, सोलिडोसाइट्स, नंबर वन एमसी. इनको ही फ्लेम सेल्स कहा जाता है, इस शेप के होते हैं, इनको ही फ्लेम सेल्स कहा जाता है. डन, नंबर वन. एस्केहेलमिंथस हैव रेनेट सेल्स. नंबर टू, सब कुछ मैंने नोट्स में बनाकर दे दिया है. अर्थवर्म्स के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ नेफ्रीडिया होते हैं. आर्थ्रोपोडा, स्पाइडर्स, एरेक्निडा, कॉक्सल ग्लैंड्स,
arachnida, spiders, arachnida, arthropoda have different excretory organs. Light class, arachnida excretes through coccal glands, crustaceans, prawns, lobsters, green gland or antennary gland, insecta, malphigent tubules, higher organisms, kidney. The screen blur nahi hai, Disha. Nahi beta, Alisha. The net pressure gradient that causes the fluid to filter out from the glomeruli. Net pressure kitna hoga? Ye to easy question hai. Net pressure kitna hoga? Done? 5, 4, 3, 2, 1, 10 mmHg. This is so simple. Net pressure kitna hoga? Capillary ke andar pressure kitna hai? 60 mmHg. The colloid osmotic pressure jo already yahan par filter hokar aa chuka hai, against laga raha hai, jo fluid yahan pe hai, wo hai 32. Jo iske andar hai, iske andar kitna pressure hai? 60. Done. Or finally, filtrate pressure due to glomerular filtrate. Yaha ka colloid laga raha hai 32 aur filtrate laga raha hai 18. Ye bhi against hai. To 60 minus 32 plus 18. 60 minus 50 is equal to 10. Is that clear, Shreef, Sathini, Akshita, Alisha? Done? Glomerular filtration is possible because chalo. Glomerular filtration is possible because क्यों pressure क्यों develop हो रहा है? Pressure इसीलिए develop हो रहा है because the one which is coming is thicker, the one which is going is thinner, so there is more amount of pressure. Am I right, everybody? Come on, Vandana, Sai Lakshmi, Akshita. Yes. Let's move ahead. तो किडनी क्रिस्टल्स, कई लोगों की किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो क्या है? किडनी क्रिस्टल्स, किडनी स्टोन्स, चलो. कैल्शियम नाइट्रेट है, यूरिक एसिड है, फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट यूरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड है. चलिए, बताइए. Kidney crystals, calcium oxalate and uric acid. Uric acid ki crystal bante hain. Right? Renal stones jinhe kaha jata hai. Kidney, high amount of calcium. Isliye un logon ko tomato khane se mana kar dete hain because tomato ke beech mein calcium aur uric acid urates hote hain, potassium urates. Right? So that is the reason. Chaliye agla sawal. Correct pathway. Kal maine aapko SAAB wala pathway karaya tha. Aaj ye wala pathway kijiye. Chaliye. चलो 5, 4, 3, 2, 1. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यूरेटर, ब्लैडर. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउट. राइट, यूरिन कहां परफॉर्म होगा? नेफ्रॉन. कैसे होगा? वहां पे रीअब्सॉर्ब वगैरह हो जाएगा, अनवांटेड मटेरियल जो है वो चला जाएगा, रीनल पैपिला में जाएगा यूरिन. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जाएगा रीनल पैपिला, पैपिला से एंटर करेगा माइनर कैलिक.
कैलेक्स माइनर कैलेक्स एंटर करेगा, मेजर कैलेक्स एंटर करेगा रीनल पेल्विस, पेल्विस से जाएगा यूरेटर। दोबारा बताती हूँ, आई टेल यू अगेन, सबसे पहले जाएगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से रीनल पैपिला, रीनल पैपिला से माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स से रीनल पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, एंड यूरेटर टू ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। यूरिनरी ब्लैडर जैसे यूरिन आता रहेगा डायलेट करेगा, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, पहले कई बार 10-12 लेयर होगा, जैसे वो स्ट्रेच करेगा लेयर कम होती रहेंगी। माइनर कैलाई से मेजर कैलाई से, मेजर कैलाई से जाएगा पेल्विस, पेल्विस से जाएगा यूरेटर, यूरेटर से जाएगा ब्लैडर, और ब्लैडर में होगी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जब वो स्ट्रेच होती है तो मेम्ब्रेन की लेयर कम होती रहती है। Choose the correct statement, ABCD option. Tyasa, Archita, Shreya. Guys, do you want Menti? Your slides are fine. You want Menti? Yes, explanation. Okay. अभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो. Choose the correct statement. Obviously, ascending limb of Henle extends into the distal, extends as the distal convoluted tubule. ये रहा. PCT. Descending limb of Henle, ascending limb of Henle, DLOH, loop of Henle, ascending limb of Henle. PCT ये क्या है? DCT. So it is the ascending limb which is the DCT. इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? Ascending limb का जो next part है वो आपकी DCT होती है। जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स के पास longer loop of Henle होता है, इसलिए जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स ज्यादा reabsorb कर सकते हैं, right? और जो आपका ब्लड वेसल बाहर आ रहा है, इफरेंट, इफरेंट ही क्या बनता है? वासा रेक्टा। ये एफरेंट, ये जो इफरेंट है यही वासा रेक्टा बनेगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा नहीं होता है, इसलिए रीअब्सॉर्ब नहीं होता, बट जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा भी ज्यादा होता है, राइट? कॉर्टेक्स में कौन कौन होता है? मैल्फीजियन कॉर्पसल, पीसीटी, डीसीटी कॉर्टेक्स में होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले आपके मेडुला में से है। चलो क्लियर है बेटा? ओके स्लाइड्स, ओके। जेजी अपेरेटस किसका बना होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैक्यूला डेंसा, लैसी सेल, पुर्किंजे सेल, चीट सेल, मायो एपिथेलियल सेल, अर्जेंटिफिन सेल, मैक्यूला डेंसा, पढ़ाकू बच्चे तियाशा कमेंट करेंगे जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, देन आई विल फॉर्म द पढ़ाकू बच्चों का गैंग ऑन टेलीग्राम। लैसी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। यस अलीशा, यस क्लास है अलीशा का, वेदांतु क्लास, बाय।
Juxtaglomerular cells are the smooth muscle cells of efferent efferent arteriole. इनके पास dark granules होते हैं, ये renin secrete करते हैं. Macula densa जो होता है वो efferent efferent के बीच में होता है. ये chemoreceptor होता है, ये देखता है carbon dioxide का level कितना है, urea uric acid का level कितना है, blood में chemicals का level कितना है. लैसी सेल मैक्यूला डेंसा और एफरेंट डिफरेंट के बीच में होता है. इनका रियल फंक्शन किसी को भी पता नहीं है. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जेजी सेल्स के ही कंट्रोल में होता है. अगर ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम हो जाए जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए तो ये रेनिन सिक्रीट करते हैं जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है. फिर आएगा आपका एल्डोस्टेरोन जो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा. सोडियम के पीछे पीछे अगर 5 बजे 7 बजे की क्लास में कराया था, सोडियम के पीछे पीछे पानी आएगा, सॉल्यूट के पीछे सॉल्वेंट एंड द अमाउंट द ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज. कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कैसे बने? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. कॉर्टेक्स जो बाहर वाला पार्ट है, इज द कॉर्टेक्स डिपिंग इन मेड्यूला? इज द कॉर्टेक्स डिपिंग इन मेड्यूला? यस. द सब्सटेंस ऑफ किडनीज इज डिवाइडेड इनटू टू ज़ोन्स. बाहर का रीजन है कॉर्टेक्स, अंदर का रीजन है मेड्यूला. तो कॉर्टेक्स जो है वो मेड्यूला में डिप करता है. विच इज द रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी. The cortex dips in medulla. The cortex invaginates. It dips in medulla in the inner region to form the renal columns of Bertini. Pyramids ke beech beech mein. Is that clear? Cortex mein malpighian or renal corpuscle hote hai. PCT, DCT hoti hai. Medulla mein loop of Henle or collecting ducts hoti hai. Please likh lo. Medulla mein loop of Henle or collecting ducts hoti hai. Question number 13. 1 लीटर पानी अगर बॉडी में चला गया, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, आरबीसी कोलैप्स हो जाएंगे, यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. आरबीसी कोलैप्स हो जाएंगे, यूरिन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगा. बताओ क्या होगा? सॉल्यूट वानी मैम, सॉल्वेंट बायोटोनियन. यस श्रेया, चलो आंसर करो बेटा. आरबीसी कोलैप्स हो जाएंगे. क्यों? क्यों? राइट. 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर बाहर क्या हो जाएगा? वाटर ज्यादा. राइट. इफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस, आरबीसी एब्जॉर्ब्स इट. कोलैप्स का मतलब क्या ये है ना, बाहर वॉटर इंक्रीज हो गया, अंदर वॉटर कम हो गया. तो वॉटर विल मूव इन साइड, फट के कोलैप्स हो जाएंगे, फट जाएंगे, बर्स्ट. कोलैप्स का मतलब क्या है? ऐसा हो जाएगा, फट जाएगा. पहले आरबीसी फट गया, फट जाएगा. यस. कोलैप्स का मतलब, कोलैप्स का मतलब श्रिंक नहीं है. Collapse is not equal to shrink. Collapse का मतलब shrink नहीं है, फट जाएगा, फट गया. Animal cell है ना, plant cell नहीं है कि cell wall नहीं है. Burst कर जाएगा, burst करके collapse. जैसे गुब्बारे में आप पानी भरते हो, पानी भर के गुब्बारा फोड़ दिया आपने तो वो collapse कर जाएगा. Burst and then collapse because it is not a plant cell. Plant cell can't burst because it is cell wall. It will burst. Water will come inside. Yes, it will burst. Swell, burst and phat ke waise pichak jayega. Collapse like that. Pichakna is the collapse that we are talking about. Next.
चलो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड गाइज मैंने अभी एनसीईआरटी शुरू करवानी है फ्राइडे से. इज दैट डन एनसीईआरटी. एक बार तुम्हारी चैट देख लो मैं रुक जाती हूँ. तो बात करना भी बहुत जरूरी है मेरे चुनो मुनो गैंगस्टर से. एनसीईआरटी मैं शुरू करवा रही हूँ तुम लोगों के लिए. ओनली फॉर योर बैच आई एम डूइंग दिस. मेरे ड्रीमर ड्रॉपर 20 to 23 एवरीबडी एनसीईआरटी. तुम पॉप आउट चैट कर लेते. कहाँ गए मेरे बच्चों की चैट. कहा सोती भाई पॉप आउट. बाकी टीचर तो करते रहते हैं. पॉप आउट प्रिंसी. कहा सो गए बेटा पॉप आउट प्रिंसी. लाइव चैट चल तो रही है यार. आ गई ठीक है. अरे वाह उत्कर्ष टेक केयर. तो मैंने क्या सोचा बेटा तुम लोगों को सबसे पहले तो मैं 11th के टॉपिक्स की एनसीईआरटी कराऊंगी ठीक है. क्योंकि 11th ही आप लोगों की वीक रह जाती है. राइट जस्ट राइट है. यू मेरे को दिखना चाहिए ठीक है. 11th ही आप लोगों की वीक रह जाती है. तो मैं 11th के टॉपिक का 9th जैसे से पहले श्रेया मैं कुछ मैराथॉन्स प्लान कर रही हूँ. तो आपके 11th के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से है बेटा. मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जो 11th के बेटा वो आपका है ह्यूमन फिजियोलॉजी ठीक है. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर लेती हूं मैं और फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा बस. डन. और ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे बस आपका एक थर्सडे एक स्ट्रैटेजी वीडियो दूंगी कैसे पढ़ाई करें क्या करें. ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू कर दूंगी. फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और प्योर एनसीईआरटी के पीडीएफ से ही पूरा समझा दूंगी. व्हाट से नो मार्किंग एंड ऑल. ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क वार्क करेंगे. एनसीईआरटी के पीडीएफ से ही पूरा अंडरलाइन करवाकर डायग्राम समझाकर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं क्वेश्चंस फॉर्म करके कि इस क्वेश्चन पे ये पूरा आराम से करेंगे 15-20 दिन लगाकर. वी विल डू इट. यस शाजिया प्लीज टेल मी. समझ आ गया ना. फटाफट से पूरा एकदम मार्क कर लेंगे क्या आ सकता है क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं क्वेश्चंस. फिर उसके दोबारा एक बार हो गया चैप्टर्स हो गए फिर उसके एमसीक्यूज पे आएंगे दोबारा से. डन. एमसीक्यू के लिए बाय द टाइम आपको मेरी बुक मिल जाएगी. तो मैं आपको पूरी एनसीईआरटी यहां करा दूंगी और फटाफट घर जाकर सिर्फ अपनी वो बुक में से क्वेश्चंस कर लिए खत्म. डन. दैट इज ऑल दैट वी विल नीड. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी. यस. चलिए परफेक्टो. तो चलते फिर. यस इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए स्कोर करना बहुत ज्यादा. एंड लेट्स गो. चलो इसको आंसर करो. 99% का क्या होता है. किडनी में स्टोर हो जाता है ब्लैडर में रीअब्सॉर्ब हो जाता है रीनल पेल्विस में हो जाता है उसको स्वेट के फॉर्म में बॉडी से निकाल देते हैं. बताओ क्या हो जाता है बाकी का. प्रिंसी दिव्या त्याशा यशिका. इट इज रीअब्सॉर्ब्ड राइट. ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन उसी को कहते हैं. बाउमेंस कैप्सूल ग्लोबुलर ऑफ फिल्ट्रेट पासेस इनटू द ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल में कौन आता है वासा रेक्टा और उस सारे को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं. पीसीटी में क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है माइक्रोविलाए होती है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेस पे वो सब कुछ रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं. 15 एंजियोटेंसिनोजेन कौन बनाता है. तीन बार क्वेश्चन करवा चुकी हूं आज की क्लास में इस पे. एंजियोटेंसिनोजेन मैक्युलर डेंसा बनाते हैं ब्लड वेसल्स के सेल बनाते हैं लिवर में बनता है या जेजी सेल्स बनाते हैं. एंजियोटेंसिनोजेन लिवर. कितने बच्चों को पता था लिवर. एंजियोटेंसिनोजेन एक प्लाज्मा प्रोटीन है लिवर सेल बनाते हैं. रेनिन जो है वो जेजी सेल से आता है. जेजी सेल सिक्रीट करते हैं रेनिन.
और एंजियोटेंसिनोजेन जो है इट इज एक्टिंग एंजाइमेटिकली ऑन एंजियोटेंसिनोजेन टू रिलीज 10 अमीनो एसिड पेप्टाइड एंजियोटेंसिन 1 और मैक्यूला डेंसा असेंडिंग लिम के पास दैट इज मेड बाय द लिवर इट्स अ प्लाज्मा प्रोटीन. अगर हेनलेज लूप एब्सेंट होता Henle's loop, descending limb of Henle, Henle's loop, ascending limb of Henle, अगर Henle's loop absent होता तो क्या होता? Concentrate नहीं होता, urine ही नहीं बनता, quality, quantity में change नहीं होता, ज्यादा concentrated होता या dilute हो जाता, बताओ. Henle's loop, reabsorb करता है, तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, रीअब्सॉर्ब करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है. अगर हेनलेज लूप नहीं होता, यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं होता. हेनलेज लूप कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है. इट क्रिएट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट असेंडिंग डिसेंडिंग लिम. काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है. काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिन. अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होता, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिन नहीं होता. काउंटर करंट मैकेनिज्म करता है, इट हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन, तो यूरिन डाइल्यूट रह जाता. मैल्थीजियन बॉडी किसकी बनी होती है? थैंक्स डेविड. चलिए, मैल्थीजियन बॉडी is it made up of glomerulus, glomerulus and Bowman's capsule, glomerulus and efferent vessel, glomerulus, Bowman's capsule and efferent vessel. Chalo. I will do that, my dear Shazia 3D pe. Glomerulus and Bowman's capsule. Na efferent vessel, na efferent vessel. Glomerulus. Nephron functional unit hai. Nephron ka kaam teen hisson mein hota hai. Sabse pehle karenge ultrafiltration. फिर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन फाइनल पार्ट. इज दैट क्लियर? मैल्थीजियन और रीनल कॉर्पसल एक चीज है. मैल्थीजियन और रीनल कॉर्पसल कॉर्टेक्स में होते हैं, ना कि मेड्यूला में. मेड्यूला में लूप ऑफ हेनले होता है. रीनल कॉर्पसल बना होता है ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल का. ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इज दैट क्लियर? और रीनल ट्यूब्यूल तीन पार्ट्स की बनी होती है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी. कैसा लग रहा है रिवाइज करके? अमन, यस आई एम गुड. अमन, डिड यू रिसीव योर टी शर्ट? आई ऑलरेडी सेंट इट. अमन, 18th. मैं आपको नंबर भेज दूंगी, आप ट्रैक कर लेना अमन आज. चलो, when someone drinks a lot of water, antidiuretic hormone is suppressed. Right? Diuresis करवाना है, ज्यादा पानी पी लिया है, dilute urine करके body से बाहर भेजना है, ना कि anti करवाना है. राइट, एंटी डायूरेटिक कब करवाना है? जब बॉडी में पानी कम है, ताकि डाइल्यूट यूरिन ना हो, पर उसने तो ज्यादा पानी पी लिया है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? एडीएच. राइट, हाइपोथैलेमस डिटेक्ट्स टू मच वाटर, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस लेस एडीएच. जब पर्सन को बहुत प्यास लगे, एंटी डायूरेसिस करवाना है, क्योंकि ब्लड में वॉल्यूम कम हो गया है. पर जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, पानी ज्यादा पी लिया, तो बोलेगा भाई निकालो इसको, डाइल्यूट यूरिन करवाओ. सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है आज. रिमूवल ऑफ पीसीटी.
पीसीटी डाइल्यूट यूरिन. पीसीटी क्या करता है? रीअब्सॉर्ब. ब्रश पॉटर एपिथिलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथिलियम. रीअब्सॉर्ब करता है, रीअब्सॉर्प्शन. राइट, अगर उसको रीअब्सॉर्ब नहीं करने देंगे हम, ये ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करता है, अमीनो एसिड्स को रीअब्सॉर्ब करता है, सोडियम पोटेशियम रीअब्सॉर्ब करता है, पानी के सॉल्यूट्स के पीछे पीछे पानी रीअब्सॉर्ब करता है. अगर वो रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा. ड्रिंकिंग ऑफ विच, ऐसे क्वेश्चन आपने किए ही होंगे, विच लीड टू द हाइएस्ट रेट ऑफ एडीएल सेक्रेशन. और ज्यादातर बच्चों के मार्क्स इसलिए नहीं आते बिकॉज वो एमसीक्यूज नहीं करते. विच टाइप ऑफ वॉटर, देखो इतना अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया है. Such good level of questions we have asked. I think the level of questions is beyond amazing. Phenomenal questions पूछे गए हैं और ज्यादातर बच्चों के marks इसलिए नहीं आते क्योंकि वो MCQ solve नहीं करते, theory पढ़ते रह जाते हैं. So it is so good that आप लोग detail में MCQ solve कर रहे हो, उनको explain कर रहे हो. This will really help you in your exams. चलो, sea water. एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन. सी वॉटर में सॉल्ट होते हैं, थर्स्ट कॉज करेगा. बॉडी में सॉल्यूट बढ़ जाएंगे तो थर्स्ट होगी. ड्रिंकिंग 2 लीटर ऑफ सी वॉटर वुड इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, ग्रेटर इंक्रीज ऑफ एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन. कि डाइल्यूट यूरिन पास ना हो, पानी को रोक लिया जाए क्योंकि सॉल्ट जा रहा है. डिस्टिल्ड वॉटर तो सिर्फ पानी है, निकालेगा बॉडी. यस, सॉल्ट वॉटर. इज दैट क्लियर एवरीबडी? दिव्या चौहान अपना एड्रेस भेज दो. प्रिंसी, यू ऑल्सो सेंड योर एड्रेस. मैंने जानवी को भेजिए, अमन मुल्तानी को भेजिए और अपना प्रीतुराज को भेजिए एंड बाकी बच्चों को भी मैं सेंड कर दूंगी, स्पेशली जो विनर्स होंगे हमारे वीकेंड क्विजेस के. यस एवरीबडी, हाउ कैन वी गेट यू टू टॉप द क्विजेस दैट आई एम गोइंग टू बी टेकिंग राइट नाउ राइट हियर. Gotcha everybody. चलिए then take care. But before I go, यार एक चीज बता देती हूँ. Please make sure आपने मेरा लेक्चर देख लिया है, that how we take super amazing lectures. Right, सी देखिए कैसे बच्चों को समझ आ जाता है. और ये वाला doubt, you understand how interesting? No, why should you say? चुके लिपिट का नाम लो. चाय पीते पीते पढ़ाया जाता है. ये देखो डिटेल में कैसे पढ़ाया जाता है. मैं कभी देखने कोशिश की, नोट्स बनाए जाते हैं. Everything is done. For any other charger, can a Samsung charger fit in here? देखो कैसे समझाया जाता है. मैंने अभी बता दिया आपको. आयशा भगवान, doubts नीचे जाते हैं वहाँ पे. Any doubts? So guys, इसके लिए लो crash course की doubts, test, assignment, वो भी physics and chemistry के, go get it. कैसे लेना है? Just come here and इसके बाद आप यहाँ चले जाओ crash course पे. Right? अगर आप specially 2022 exam देने वाले हो. ये देखिए, राइट, 3rd January से 11th मार्च चलेगा. दैट इज द क्रैश कोर्स. ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल है यहां पर. आप चले जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करो, कोड लगाओ वीडी प्रो सो दैट यू गेट माय क्लासेस. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. राइट, वीडी प्रो एंड कम एंड अटेंड आवर सुपर से भी ऊपर डुपर रेगुलर क्लासेस. लगा दिया आपने वीडी प्रो और कर दो यहां जाके अप्लाई. That's all. Done. ये देखिए, this is available. Go get this. See you sharp at 7 PM. Bye. Take care. Bye, guys. See you at 7 PM. God bless you. Bye, everyone. ठीक है, यहां पे आपको बता दिया. Take care. Bye. Bye. Okay. I will do the Shazia. Nice, Utkarsh. Bye, guys. 7 PM मिलते हैं. बाय.